कैसे हैं स्टूडेंट। पिछली बार हम लोग ने देखा था सिंपल एपिथीलियम को, इस बार हम लोग देखेंगे कंपाउंड पे। तो धीरे धीरे हम लोग पूरे एनिमल टिश्यू को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकेगा एक या दो एपिसोड वीडियो के और लगेंगे, जिसमें हम लोग पूरा एपिसोड में एनिमल टिश्यू ख़त्म कर देंगे। कंप्लीट नोट्स के साथ दे रहे हैं हम लोग, तो जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं वीडियो को आप रोक रोक के वहाँ से अपना नोट्स आप करते हैं। कम से कम ये प्रोसेस 3 से 4 बार करिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आप कंपाउंड एपिथीलियम को, कंपाउंड इपिथीलियम। तो कंपाउंड एपिथीलियम की अगर बात करते हैं तो नाम से ही समझ में आता है कि ये मल्टी लेयर्ड शेल होगी, मल्टी लेयर्ड होगी, मोर देन वन लेयर का होगा यहाँ पर, मोर देन वन लेयर, मोर देन वन लेयर। डायग्रामेटिक देखे कैसा होगा ये डायग्राम से, ये हुई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर से ये सेल हुई, ये सेल हुई, ये सेल है, इसका न्यूक्लियस ये हुआ, और इसके ऊपर से सेल ये हो गई टॉप पे ये। अगर ये जो ऊपर वाली टॉप की सेल है ये बेसल तक आती, नीचे तक आती, तो इसको कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, लेकिन यहाँ पर जो है इसे कंपाउंड एपिथीलियम कहा जाएगा क्योंकि ये नीचे तक नहीं आ रही है। कहते हैं फंक्शन के बारे में यहाँ पर, तो फंक्शन जो आता है हम लोगों ने देखा था जो सिंपल एपिथीलियम था, मोस्टली जो फंक्शन आ रहा था वो सिक्रीशन का था और एब्जॉर्प्शन का था, जबकि यहाँ पर जो फंक्शन आएगा वो आएगा प्रोटेक्शन का फंक्शन। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द मैकेनिकल एब्रेशन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। अगर कंपाउंड एपिथीलियम के हम टाइप की बात करते हैं तो कंपाउंड एपिथीलियम मोस्टली डिवाइड किया जाता है दो टाइप में। यहाँ पर एक होगा स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, और दूसरा होगा यहाँ पर ट्रांजिशनल। तो स्ट्रेटिफाइड की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड के जो आइडेंटिफिकेशन क्या देखिए अब इसमें है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स है, नंबर्स ऑफ सेल्स आर स्टैक्ड ऑन ईच अदर, नंबर्स ऑफ सेल्स स्टैक्ड अपॉन ईच अदर, नेम ऑफ द सेल, स्ट्रेटिफाइड सेल्स आर डिफरेंट टाइप्स, सच इसमें भी स्क्वामस टाइप एंड इसमें भी क्यूबिकल टाइप, वॉट एवर द नेम इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द एपिकल सेल, इफ द एपिकल सेल इज स्क्वामस टाइप द टिश्यू इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू, एंड इफ द सेल इज अ क्यूबिकल टाइप इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड क्यूबिकल सेल। अंडरस्टूड। फर्दर हम बात करते हैं जो स्क्वामस सेल है, स्क्वामस सेल की अगर हम फर्दर बात करते हैं तो स्क्वामस सेल फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड क्या होता है, केराटिन एक प्रोटीन होता है, इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, वाटर रेजिस्टेंट प्रोटीन होता है, वाटर रेपेलेंट प्रोटीन होता है, पानी की एंट्री बॉडी में नहीं करने देता है, या बॉडी लॉस जो पानी से होता, पानी का होता है बॉडी से, वाटर लॉस होता है बॉडी से, वो नहीं होने देता है। तो यहाँ पर जो केराटिन प्रोटीन अगर उसके ऊपर स्क्वैमस के ऊपर पाई जा रही है तो इसे कहेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथीलियम। अगर केराटिन नहीं पाया जा रहा है तो उसे कहेंगे नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथीलियल सेल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है केराटिन के सिक्रीशन से रिलेटेड, कहाँ पर ये पाया जाता है। तो अगर केराटिन जो सेलती, केराटिन जहाँ पर केराटिन पाया जाता है, केराटिन स्क्वैमस वाली, वो पाई जाती है स्किन के ऊपर, ह्यूमन स्किन, वो केराटिन से लगी होती है। और नॉन केराटिनाइज की बात करते हैं, ये ऐसी जगहों पे चाहेंगे, केराटिन तो ऐसी जगह पे चाहेगी जहाँ पर वाटर लॉस कम से कम, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आए और वहाँ से वो टेम्परेचर की वजह से वाटर लॉस कम हो सके, जैसे स्किन, ठीक है। और दूसरा आता है ऐसी जहाँ पर हाई मैकेनिकल एब्रेशन होता है, वहाँ पर ये पाई जाती है, जैसे बक्कल कैविटी के पास में, बक्कल कैविटी में ये नॉन केराटिनाइज स्क्वामस सेल पाई जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं क्यूबिकल सेल की, स्ट्रेटिफाइड क्यूबिकल सेल की, तो ये पाई जाती है आपके सेलेवरी ग्लैंड और पैंक्रियास में, पैंक्रियाटिक ग्लैंड इससे बनी होती है। टाइप की बात की थी वो था ट्रांजिशनल टाइप। अच्छा, इसमें एक स्पेशल चीज़ है ट्रांजिशनल टाइप, दीज आर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल। हाउ दे आर स्पेशल, बिकॉज दे चेंज देयर शेप्स, बिकॉज दे चेंज देयर शेप्स, हाउ दे चेंज देयर शेप,
वेयर इट फाउंड, फर्स्ट वी सी वेयर इट फाउंड, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस चेंज देयर शेप. लेट्स अज्यूम दे दिस इज द ट्रांजिशनल सेल, दिस इज द बेसल सेल, एंड अबाउट टॉप ऑफ दैट इज एपिकल सेल. अंडरस्टूड? दैट इज एपिकल सेल. What happened? It is found in the urinary bladder. When urinary bladder is open, these apical cells are cuboidal in shape. These apical cells are cuboidal in shape. After time being, urinary bladder fill with urine and they feel stretch. They stretch, and after stretch, these apical cell convert into squamous cell, squamous type of cell. So apical cell earlier in the cuboidal cell, and later they convert into the squamous cell after filling of urine in urinary bladder. This type of cell is called transitional cell. So understood what is the transitional cell? One thing already noted point is that कि नेम ऑफ द ट्रांजिशन सेल, नेम ऑफ दिस कंपाउंड एपिथेलियम डिपेंड अपॉन द शेप एंड शेप ऑफ द एपिकल सेल, वेदर इट इज ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड. वॉट एवर द शेप ऑफ द एपिकल सेल, दे आर कॉल्ड बाई देयर नेम्स. इफ द एपिकल सेल इज स्क्वैमस, दे आर कॉल्ड स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम. इफ दे आर कॉलोमनर, दे आर कॉल्ड कॉलोमनर स्ट्रेटिफाइड कॉलोमनर, and so on. Epithelial tissues, whatever seen, we have seen epithelial tissues, simple and compound. Now if you are seeing epithelial, one important structure is very important in the epithelial tissue is glands. What are the glands? Let's describe what is gland. We will see what are the gland, types of gland, and how they, what are their roles in the body system. So what is the gland? So these glands outer system are made up of epithelial tissue. So gland, what do gland? Gland secretes something. They secretes. What they secrete? It's depend upon the type. So they are two type. What they are type? Two type. Exocrine and endocrine. Exocrine gland and endocrine. Exo means bahar, bahar ki taraf, outer side. Endo means inside. If you broke the word, you will get the answer. It's the most easiest way to learn in geology and botany. Simply you broke the word. So exo means outside and endo means inside. You get the answer. Means those gland which secrete their secretion at the site of action, those gland are called exocrine gland. It means if the site of action is buccal cavity means mouth where tongue, teeth are arrived, that whole cavity, whole mouth is called buccal cavity. If the site of action is mouth, these gland directly secrete their secretion into the mouth. So what are the example of this gland? Very easy example is salivary gland, lar, saliva, jisko hindi mein lar kehte hain. Salivary gland is exocrine type of gland, which means is found in the buccal cavity and it secrete their secretion in the buccal cavity. Second type of gland is endocrine gland. Endo means inside. What are the meaning of this gland? These gland do not secrete their secretion directly at the site of action. It means if the gland have to act somewhere, they do not secrete there. They secrete their secretion into blood, and blood transmit their secretion at that particular site. Example of that gland and these secretion, their secretion is called special terminology. What their secretion is called? Their secretion is called hormones. Very important. So where they are secreted? The gland secretes these hormones into blood, and by blood they goes to the site of the action. Example is, what are the example? Pituitary gland and thyroid gland. There is two example, there are number of examples there, but we are going for only two: thyroid gland and pituitary gland.
इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, इफ यू सी द टाइप ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप, वेरी सिंपल, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल आर दोज एक्सोक्राइन ग्लैंड विच आर अनब्रांच, सिंगल अनब्रांच, दीज आर द एपिथेलियल टिश्यूज लाइक दिस, दीज आर द एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज कॉल्ड सिंपल ग्लैंड. And those what are tubular gland, the gland which are branched, that are called compound exocrine gland. These are the compound exocrine gland.